ईसुला धरी देज। दस वर्ष यहूदी लोका पास्काना सन पाळ होता। ये बारा मा एक सन होता का खूब वर्षा पुढ़ देवनी तेहने वडिल साला मिसर ने गुलाम मासून सोडवेल होता। लगभग तीन वर्ष ने मागून ईसुनी जाहिर रीते प्रचार करूला अन शिक्षण देवला शुरुआत करना। ईसु ने तेने चेला साला सांगा का तो तेहने हरी यरूशलेम मा पास्काने सनला पाळूला माग अन ये भी का तेला तठ मारी टाकवा माईल। ईसु ने चेला सामा एक यहूदा नावना मानूस हता। यहूदा खास चेला से दाननी थैली राखूना प्रमुख हता। पन तो कायम तो ते थैली मासून पैसा काढ़ी लिया करो हता। ईसु अन चेला सी यरूशलेम मा जाई पूर्णात्मा गुण यहूदा यहूदी आगे वांसा पासी गे तेनी पैसा ने बदला मा ईसुला तेहने हाथ मा धरी देवला तेना दरखास्त राखना। तेला माहित हता का यहूदी आगेवान स्वीकार नहीं करो होता का तो ईसुज ख्रिस्त हता। तेला माहित हता का ते तेला मारी टाकूला माग हता। महायाजक ने सांगा तहा यहूदी आगेवान सी ईसुला तेहने हाथ सामा धरी देवला साठी यहूदाला 30 चांदीना सिक्का दीदा। ये रीते हुईना जिसा का देव सोन बोलनार से सांगेल होता का हुईल। यहूदा मानी गे अन पैसा लेनी निंगी गे तो ईसुला धरी देवला तेमा तेहनी मदद करूला साठी एकाद तक गौसुला लागना। यरूशलेम मा ईसुनी तेने चेला से हारी पास्काना सन पाना। पास्काने सन ने समय मा ईसुनी भाकर लेनी मोड़ी तेनी सांगा ये ले अनखा ये माना शरीर रहा जी मा तुमने साठी देह येला माने यादमा कर जा। ये रीते ईसुनी सांगा का तो तुमने साठी मरी जाईल मतलब तेने साठी तेने शरीर ला बलिदान चढ़वी दील। मागून ईसु एक दारिकाना रसना पेला लीना अन सांगना येला पीले यो नवा करारना माना रगत आहा जो मा उभरी दिन जेते देव तुमने पापसी माफी करो। दर वखते तेला पेवला समय माने आठव मा येला करा जी मा आता करी रहना हा। तहा ईसु ने तेने चेला साला सांगा तुमने मासून एक जन माला धरी दिल चेला नवाय मा पड़ी गेत अन शोधूला लागना का कोण ईसा काम करील। ईसुनी सांगा माला धरी देणार माणूस तो आहा जेला मा यो भाकरना तुकडा देहे। तहा तेनी ते भाकर यहूदाला दीदी ते भाकरला लीना मागून यहूदा मा शैतान भरायजी गे। यहूदा निंगीनी ईसुला धरी देवला साठी यहूदी आगेवान शाहला मदद करूला साठी निंगी गे। यो रातना समय होता। जेवण हुईना मागून ईसु अन तेना चेला जैतून डोंगर वर नेंगी गेत। ईसुनी सांगा तुम्ही अखा आज रातना माला सोडी देसाल। ईसा लिखेल हा मा बाळदीला मारे टाकीन अन अखा मेंढा येव तेव पिरायजी जातील। पितर ने जवाब दिदा भले बाकी ना अखाज तुला सोडी देतील मा नेही सोडणार। तहा ईसुनी पितरला सांगा शैतान तुम्हाला अखेसाला ली लेवला माग हो पण हे पितर मा तुने साठी प्रार्थना करना हाव का तू विश्वास मासून भटकीन नहीं जास। तरी पण आज रातना कोंबडा आरविल तेने पुढ़ तू तीन वखत नाकार करशील का तू माला वळखस भी नहीं। पितर ने तहा ईसुला सांगा भले मा मरे भी जाईन मा कदी भी तुना नाकार नहीं करणार। बाकी ने अखे चेला से भी ईसा सांगा। तहा ईसुनी तेने चेला से हरी गेतसेमा नावने जागावर गे। ईसुनी तेने चेला साला प्रार्थना करूला साठी सांगा जेथे शैतान तेहनी परीक्षा नहीं कर। तहा ईसु पदर प्रार्थना करूला साठी निंगी गे। ईसुनी तीन वखत प्रार्थना करी हे माना बास जो बनी सकील तो कृपा करीनी यो दुखना पेला पेवला साठी माला नको देश पण जो लोकाशे पापने माफी करूला साठी दुसरा कणा मारोग नहीं आहा तो तुनेज इच्छा पूरी हुई। ईसु खूब दुखी होता अन तेना घाम रगत ने टीवा ने जिसा होता। तेला सामर्थ्य देवला साठी देवनी एक देवदूतला दवाड़ा। दरेक वखत प्रार्थना मागून ईसु तेने चेहला सापासी परत आना पण ते निजी गयला। जदव ईसु तिसरी वखत परत आना तो ईसुनी सांगा जागे जा माला धरनार अठा आहा। यहूदी आगेवांशी सैनिक से अन एक मोठे भीड़ हारी यहूदा आना तेही तलवार शाला काठे शाला लियेल होते। यहूदानी ईसु पासी येनी तेला सांगा
हे गुरुजी सलाम अनतेला मुका देना तेने धरा जुला आहा ते माणूसला यहुदी आगेवांशाला दाखवल्यासाठी निशा करेल होता। तहा येशूने सांगा, हे यहुदा काय तू एक मुका दिने मला धरी देस? जदो त्या सैनिक येशूला धर होता तो पितरने त्यांनी तलवार काढणा अन महायाजकने एक दासना कान कापी टाकणा। येशूने सांगा, तलवारला दूर कर, मा माने बाहस पासून माना बचाव करूल्यासाठी देवदूतशी एक सेनाने साठी विनंती करी सका, पण माला माने बाहसनी गोठ मानूला आहा। तहा येशूनी ते माणूस नाही कानला बेस करी दिना, तहा अखाचला पोळी घ्या।